मैंने ना ये सपने देखे थे कि मैं भी ना उस रास्ते पे चलूं जहाँ पे यहाँ लेफ्ट और राइट पे ना स्नो ही स्नो होती है। हाई, आई एम कोहली, और आगे जो है ना वो है यह वो 20 अप्रैल वाली एवलेंच वाला जोन जहाँ पे एवलेंच आया था। दो चीज़ें दिक्कत आ गई, एक तो मेरी ब्रेक पीछे की नहीं लग रही है और दूसरा जो पेट्रोल है ना वो भी ख़त्म होने वाला है। टाइम हो रहा है दोपहर के 2:38 और आपका भाई पहुंच चुका है जोजीला पास पे। जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, पर अब दिल की धड़कने ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। वैसे चेकिंग पॉइंट तो मेरे ख्याल से पीछे वाला ही था, वहाँ से तो मैं निकल आया हूँ। आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या होता है। आई थिंक आगे हो रही है चेकिंग, आई डोंट नो यार, दिल की धड़कन है ना तब तक नहीं मानेगी जब तक मैं आगे नहीं निकल जाता। समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या हम सही में पास थ्रू हो गए, क्या मैं लद्दाख जा पा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है भाई, कोई आइडिया नहीं है अभी तक। वो सोनामर्ग के जो चेक पॉइंट था वहाँ से तो मैं निकल गया था, ना किसी ने रोका मुझे और ना ही मैं रुका हूँ। और नज़ारे आगे के देखो क्या अल्टीमेट वाले हो रखे, पूरे स्नो कवर्ड माउंटेंस है, पूरे स्नो कवर्ड माउंटेंस। और बालटाल की अगर बात करूँ तो बालटाल वही जगह है जहाँ से अमरनाथ की यात्रा जो है ना शुरू होती है। फाइनली ले रह गया कुल 341 किलोमीटर यहाँ से, और हम लोग जा रहे हैं लद्दाख 2024 को पूरा करने। यस, हमें किसी ने नहीं रोका और हमने फाइनली सोनामर्ग से जो है ना एंट्री कर ली है टू व्हाट, जोजिला टनल के लिए। वाओ वाओ वाओ। सो जी, टाइम हो रहा है दोपहर के 1:33 और मैंने सोनामर्ग क्रॉस कर लिया है। 22 अप्रैल को मैं निकला था दोपहर को 4 नॉन स्टॉप लद्दाख करने के लिए, और अब हो रहा है 23 अप्रैल दोपहर के 1:30, और यहाँ से जो लेह का जो डिस्टेंस दिखा रहा है ना वो दिखा रहा है करीब 7:45। सो अप्रॉक्सीमेटली 9:15 के आसपास ना मैं लेह पहुँच जाऊँगा। और जो मैंने सपना देखा था ना कि दिल्ली से लद्दाख नॉन स्टॉप करूँगा, अब वो सपना पूरा होने वाला है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच एवरीवन। होप करता हूँ कि आप सभी भाई लोग मुझे कमेंट में विश ज़रूर करेंगे कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने कर दिखाया, आई वुड से टू अस, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग भी लद्दाख 2024 देखने वाले हो। सो जी, सोनामर्ग से जो नेक्स्ट पॉइंट होने वाला था ना अपना टुवार्ड्स लद्दाख, वो होने वाला है जोजिला पास। सो जोजिला पास भाई साहब मैं आ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना और प्यार से ना क्रॉस करवा देना। चलो जी, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं दोबारा से अपनी राइड की और बोलते हैं जय माता दी, हमारी इस राइड को सक्सेसफुल करना, बहुत प्यार और आराम से जाए और बहुत प्यार और आराम से वापिस आए। लद्दाख नाइट स्टे उधर ही है। हाँ जी, थैंक यू सर। आस पास जाइए, रोड खराब होता है, कहीं स्लाइड होती है, आराम से जाइए। ठीक है, थैंक यू सर। भाई मेरी दिल की धड़कनें तेज हो गई थी जैसे ही इन्होंने मुझे रोका ना कि आप कहाँ जा रहे हो भाई साहब। मुझे लगा यहाँ से ये वापस ना भेज दे मुझे। वाओ यार वाओ, देख रहे हो नज़ारे,
कैसे हर जगह पे स्नो ही स्नो हो रखी है, हर जगह पे स्नो ही स्नो, और आपका भाई लद्दाख जा रहा है 2024 में अप्रैल के अंदर। वाओ वाओ वाओ। स्नो के साथ साथ ना वाटर क्रॉसिंग भी अभी से ही मिलने लग गई है भाई, ये तो खतरनाक होने वाला है सच्ची बताऊँ तो। क्योंकि अभी तो यहाँ से मेरे ख्याल से 13 से 15 किलोमीटर दूर है जोजिला पास, और अभी से जो है ना अपने को वाटर क्रॉसिंग्स देखने के लिए मिल गई है। जहाँ जहाँ इनके टायर है ना उनके हिसाब से चलते हैं। ये पैचेस ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाले हैं, क्योंकि दोपहर का टाइम है ना तो बहुत ज़्यादा ना वाटर क्रॉसिंग बन गई होगी, क्योंकि स्नो पिघल रही है तो उसकी वजह से वाटर क्रॉसिंग ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी अपने को। बस अपना प्यार प्यार और आराम आराम से चलेंगे। पीछे वाली ब्रेक मेरी लग नहीं रही है तो ये बहुत ही नेगेटिव हुआ है मेरे लिए। ऐसी जगहों पर ब्लैक आइस होती है, वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट है भाई आगे की ब्रेक से सर्वाइव करना, इसलिए ना बहुत प्यार प्यार और आराम से चलेंगे, इंजन ब्रेकिंग ज़्यादा करेंगे और बस प्यार प्यार से भगवान का नाम लेते हुए निकलेंगे और क्रॉस करेंगे जोजिला पास को। पेट्रोल भी देख रहे हो ब्लिंक करने में लगा हुआ है, हद है। और अब जो पेट्रोल पंप पड़ने वाला है ना वो है यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 80 किलोमीटर दूर द्रास में, तो यार परेशानी है ना फिर दोबारा से आनी स्टार्ट हो गई है। सोनामार्ग से तो मैं छूट गया हूँ जोजिला पास से क्रॉस करते हुए, पर दो चीज़ें दिक्कत आ गई, एक तो मेरी ब्रेक पीछे की नहीं लग रही है और दूसरा जो पेट्रोल है ना वो भी ख़त्म होने वाला है, ब्लिंक कर रहा है। ब्रेक का इशू सबसे तगड़ा यार यही है कि जो मैंने चेन स्प्रे मारा है ना वो चेन स्प्रे ना जाके ब्रेक पर भी जाके लग गया है, जिसकी वजह से ना उसमें लुब्रिकेंसी हो गई है और वो फिसल रहा है, मतलब ब्रेक पकड़ नहीं पा रही है। देख रहे हो वाटर कैसे पिघल पिघल के आ रहा है, पर नज़ारों की कोई कमी नहीं है भाई, कोई कमी नहीं है नज़ारों की। जहाँ नज़र दौड़ाओगे ना वहाँ पे इतने ह्यूज ह्यूज माउंटेन्स हैं और उनके ऊपर जमी हुई स्नो। वाओ यार सही डिसीजन रहा यार मेरा। वाओ ये देख रहे हो ये चट्टान कैसे काट के रास्ता बनाया गया है, खतरनाक है यार ये। चलो जी अपने को माता का मंदिर भी देखने के लिए मिल गया तो एक बार हाथ जोड़ लेते हैं और दुआ मांग लेते हैं, चाहे वो शिव जी भगवान मेरी जो ये ट्रिप है ना इसको सक्सेसफुल करना। तो सैल्यूट है भाई सभी बीआरओ वाले भाइयों को जो कि इतनी मेहनत करते हैं इतने हाई ऑल्टीट्यूड पे और हम जैसे ट्रैवलर्स के लिए रास्ता बनाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जा रहा हूँ ना ठंडा भी बढ़ता जा रहा है, हाई ऑल्टीट्यूड होता जा रहा है और ठंडक भी बढ़ोतरी हो रही है ठंडक में। देख रहे हो लेफ्ट हैंड साइड पे कितनी ऊंची ऊंची जो है ये एवलैंच आए थे, इन एवलैंचेस के बीच में से होते हुए गुजर रहे हैं भाई साहब। इतनी बड़ी बड़ी दीवारें, वो भी किसकी, स्नो की दीवारों में से गुजरता हुआ आपका भाई आई एम कोहली। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, आगे तो और भी ज़्यादा एडवेंचर होने वाला है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो यार, लाइक कमेंट ज़रूर करना और शेयर करो उन सभी भाइयों के साथ कि लद्दाख 2024 ओपन हो चुका है, लेह श्रीनगर हाईवे से जो कि जाना चाहते हैं तो अब जा सकते हैं। बाइक के बिना सांस चढ़ रही है सेकंड गियर पे, पता चल रहा है इसको अब कि भाई हाई ऑल्टीट्यूड क्या होता है, इसीलिए बनाया था ना तेरे को V-Strom, अब ले बेटा हाई ऑल्टीट्यूड पे चल। वाटर क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है भाई, हालांकि बड़ी बड़ी नहीं है पर वाटर क्रॉसिंग है भाई।
देख रहे हो भाई साहब कितनी सारी स्नो जो है ऊपर से नीचे गिरी है भाई। ये एवलेंचेस हैं जो आए पड़े हैं और इन्हीं को साफ किया है बीआरओ ने। ऊपर से पिघलती हुई भाई साहब पूरे रोड ब्लॉकेज की हुई है इन्होंने, उसको क्लियर करके रास्ता बनाया। ओ भाई वाटर क्रॉसिंग, वाटर क्रॉसिंग। ऊपर रख लेता हूँ यार। और ये देखो यहाँ से ना जब पूरी की पूरी जो है ना एवलैंच आए थे यहाँ पे, ये पूरे ढक गए थे। अब यहाँ पे इन्होंने खोद के ना रास्ता बनाया गया है जेसीबी से और अदर मशीनरी के थ्रू। ये देख रहे हो ये जितना भी ये सारा का सारा एवलैंच है ऊपर से पिघलता हुआ यहाँ पे आया, ये पूरा रास्ता ढहा दिया था। अब इनके बीच में से होते हुए गुजर रहे हैं, देख रहे हो कितने फुट की है, कितने फीट की जो है ना ऊपर से है। भाई 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 अभी गिर जाता मैं। सोची मैं हूँ अभी जोजिला पास पे और यहाँ पे देखोगे ना आप, ये एवलेंच आया था ना 20 अप्रैल को, उसको अभी क्लियर करने का काम चल रहा है। यहाँ पे देखो यहाँ पे लगी है जेसीबी जो कि क्लियर कर रही है। ये खड़ी अपनी बाइक और यहाँ अपने को जाना है। सो जी रोड जो एवलेंच वाला जो रोड था ना वो बंद हो गया था, उसे अब क्लियर कर दिया गया है। सो नाउ वी आर गुड टू गो। ये देख रहे हो ये है वो 20 अप्रैल वाली एवलेंच वाला जोन जहाँ पे एवलेंच आया था। और भाई यहाँ पे तो जो है ना बहुत तगड़ी वाली वाटर क्रॉसिंग बनी पड़ी है, आराम से निकलना पड़ेगा। यहाँ तो पैर गीला ही होगा, पैर गीला होगा, आई एम श्योर पैर गीला हो जाएगा। बच के बच के बच के नहीं हुआ। ये देख रहे हो कितनी ऊंची ऊंची जो है ना स्नो को हटाया गया है पूरा का पूरा। ओ हो ये तो ब्लैक आइस है। आराम आराम से चलेंगे, आराम आराम से, आराम आराम से, कोई जल्दी नहीं, आराम आराम से, 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 बस हो गया क्लियर। ये जो पीछे से जो आते हैं ना ये गाड़ी वाले, ये भाई किसी की बात नहीं मानते, इन्हें नहीं समझ में आता क्या। बाकी आगे के नज़ारे देखिए, ये पहाड़ देखिए ऐसे ऐसे कटा हुआ है और उसके ऊपर स्नो डली हुई है। ओ भाई अलग ही लग रहा है, अलग, क्या बात है यार, पूरे पैसे वसूल हो गए मेरे तो, पूरे पैसे वसूल हो गए भाई यहाँ पे आने के। बस यही है कि ब्लैक आइस ना मिले। और सामने वाले पहाड़ को देखिए क्या खतरनाक वाला ब्यूटीफुल लग रहा है यार, क्या सही लग रहा है, ऐसे चोंच निकली हुई है। ओए होए 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 होए, आराम आराम से चलेंगे भाई, कोई जल्दी नहीं है। और ये वाले पत्थर तो मुझे बहुत ही खतरनाक लगते हैं, ये ऐसा लगता है कि सिर्फ लेयर लेयर लगी हुई है। और बस भगवान आराम से पार करा देना, अपने को कोई जल्दी नहीं है, प्यार प्यार में जाना है, प्यार प्यार में आना है। सही है भाई, सही है सही है। ये देख रहे हो ये पत्थर कैसे निकले हुए हैं, ये वाले पत्थर कैसे निकले हुए हैं, पहुँच निकली हुई है इनकी, जैसे मिसाइल नहीं खड़ी होती उस तरीके से भाई। क्या बात है यार, क्या बात है। आई लव जोजिला यहाँ पे लगा रखा है भाई साहब, आई लव जोजिला का बोर्ड। भाई साहब सामने का जो है ना व्यू देखिए, क्या खतरनाक लग रहा है बाबा, क्या खतरनाक लग रहा है। और वो देखो सामने वाले पहाड़ पे तो पूरी की पूरी स्नो जमी हुई है, ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी के अभी पड़ी है भाई। गजब, एकदम स्नो वाइट, मतलब वाइटेस्ट से भी वाइट, इतनी ज़्यादा वाइट है ना कि आँखों में चुभ रही है। मैंने हालांकि गॉगल्स अभी लगा नहीं रखे क्योंकि ना फॉग आ रहा है, तो जैसे ही सांस ले रहे हैं ना उसकी वजह से फॉग आए जा रहा है, तो इसीलिए मैंने ना अभी गॉगल्स लगा नहीं रखे, नहीं तो फिर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अपना जो
वाइज़र है ना हेलमेट का, वो भी मैंने ऊपर किया हुआ है। थोड़ी सी ठंड सहन कर लेंगे, पर कुछ ना दिखाई दे मुझे वो सहन नहीं कर सकता इस टाइम पे। आई होप गाइज यार आप ना वो मेरी फीलिंग समझ पा रहे होंगे कि मुझे इस टाइम ऐसे सोलो ट्रैवल करते हुए कैसा लग रहा है। आपको वीडियो में बहुत हद तक समझ में आ रहा होगा यार। जोजिला वैसे मैंने दो बार किया है, पर इस पहली बार मैंने इतनी स्नो के अंदर ना जोजिला को क्रॉस कर रहा हूँ। और मज़े की बात ये है कि इस बार दिल्ली से लद्दाख मैं कर रहा हूँ नॉन स्टॉप करना दिल्ली से लद्दाख। वैसे दिखाता है 28 घंटे के आसपास, शायद 26-27 घंटे के आसपास दिखाता है, पर मुझे अप्रॉक्सीमेटली 30 घंटे लगेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अभी तक कोई भी मेजर ब्रेक नहीं लिया है। अरे 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 ऊपर कर लूँ यार पैर, नहीं तो गीले हो जाएंगे। आगे भाई वाटर क्रॉसिंग है तगड़ी। नहीं मतलब इशू पता है क्या है कि इनके अंदर अगर ब्लैक आइस निकल गई ना तो वो दिक्कत दे देगी। अपन तो पैर ऊपर करके ही चल रहे हैं, अपने जो स्लाइडर है ना उसके ऊपर यहाँ पे मैंने पैर रख लिए, अब यहाँ से होते हुए चलेंगे। क्योंकि मैं ना शूज़ गीला नहीं करना चाहता, मुझे पता है लद्दाख में पहुँचूँगा रात के टाइम पे, और अगर मेरे शूज़ गीले हो गए ज़्यादा तो भाई इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि भाई ठंड ना लगे, क्योंकि ठंड तो डेफिनेटली लगी जाएगी। ओ हो, राइट वाला जो मंज़र है ना भाई वो बिल्कुल अलग है, एकदम स्नो वाइट आइस है यार। क्या बात है, मज़ेदार है। ऐसा लग रहा है ये आज ही पड़ी है ये स्नो, देख रहे हो बिल्कुल स्नो वाइट है यार, मैं तो देख नहीं सकता। आई होप आप लोगों ने भी प्लान किया होगा लद्दाख 2024, अगर आपको आना है तो जल्दी से आ जाइए। मई 10 मई तक भी शायद रहेगा ये मंज़र। तो ऐसे ऊंची जो है ना आप स्नो की दीवारें देखोगे, और ऐसे वाटर क्रॉसिंग से भरे हुए रास्ते मिलेंगे आपको जोजिला पास पे, और इतनी वाइट जो है ना स्नो देखने के लिए मिलेगी, तो आपको मज़ा आने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आ जाइए यार, और आइटनरी तो मैं आपको बता ही दूंगा। मैं बताऊंगा क्या यार, मतलब मेरी वीडियो देख लेना, आपको खुद ही समझ में आ जाएगी मैंने जैसे जैसे किया है आप वैसे वैसे करो। पर हाँ अगर आपका फर्स्ट टाइम है ना तो भाई नॉनस्टॉप मत करना। मैंने सिर्फ नॉनस्टॉप इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास जो दो छुट्टियां थी ना वो वेस्ट हो गई थी, उसकी वजह से मैं नॉनस्टॉप कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं ना 2-3 दिन के अंदर ही करता दिल्ली से लद्दाख। ये देख रहे हो भाई साहब, सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये वाइट स्नो देख के। आगे से भी कोई गाड़ी आ रही है शायद, नहीं गाड़ी पीछे आ रही है, क्यों आ रही है भाई? ओ भाई यहाँ पे तो स्लश है, और पीछे का नज़ारा देखे हुए ना जो क्लाउड है ना भाई साहब, क्या गैदर हो रखे है क्या भैया, सुसू करने लग गए। बाकी आगे ना स्नो गिरी हुई है रोड पे, तो उसको क्लियर करने का काम चल रहा है, तो वो जैसे क्लियर कर देंगे ना उसके बाद हम आगे जा सकते हैं। ये वाली दीवारें देखी आपने, कितनी ऊंची दीवारें बनी हुई थी भाई साहब। ये देखो यार कितनी ऊंची जो ना आइस की दीवारें बनी पड़ी है, स्नो की दीवारें, और इन दीवारों के बीच में से निकलता हुआ आपका भाई आई एम कोहली। और आगे जो है ना वो है, हाँ पानी ज़्यादा है तो पैर पे लगने का डर है, आराम से निकलते हैं। अरे बच गया, पैर गीला नहीं हुआ। और यहाँ पे देखोगे ना पानी ही पानी है। अरे दूसरी गियर पे आ जा भाई, और मैं स्लाइडर पे पैर रख लेता हूँ। सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा है ये दीवारें देख के भाई, इतनी ऊंची दीवारें बनी पड़ी है ना स्नो की, मज़ा आ रहा है इनको देख के। यहाँ पे आराम से, ज़्यादा चतुराई नहीं। इंजन ब्रेकिंग, हाँ सेकंड गियर पे ही रखता हूँ ना भाई। वो जो है ना सामने जो स्नो दिख रही है भाई, वो अलग लग रही है, अल्टीमेट लग रही है। मुझे नहीं पता GoPro में कैसी आ रही होगी, पर जितना मैं करीब जा रहा हूँ ना वो ऐसे दूर दूर सी होती जा रही है, ऐसा लग रहा है भाई। भाई
बढ़िया भाई, इतनी ज़्यादा स्नो ना मैंने आज तक लद्दाख के रास्ते में कभी भी नहीं देखी और कहीं भी नहीं देखी। दोबारा से पैर ऊपर रख लेता हूँ और आराम आराम से निकलते हैं यहाँ पे। भाई मज़ा आ रहा है, सच्ची बता रहा हूँ मज़ा आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ना ये सपने देखे थे कि मैं भी ना उस रास्ते पे चलूँ जहाँ पे यहाँ लेफ्ट और राइट पे ना स्नो ही स्नो होती है, और आज वो मेरा सपना ना पूरा हो रहा है कि दोनों साइडों पे ना दीवारें हैं बड़ी बड़ी स्नो की और मैं उसके बीच में से चल रहा हूँ। ये ओ भाई ये थोड़ा गहरा था ना, एकदम से भचाक करके गिरा और ब्रेक मैंने लगाई नहीं क्योंकि आगे वाली ब्रेक काम कर रही है, पीछे वाली अभी सूखी नहीं है और पैर भी बचाना है शूज़ गीले होने से, तो इसलिए स्लाइडर के ऊपर ना यहाँ पे मैंने ना पैर रखे हुए हैं और यहीं पे पैर रख के चल रहा हूँ। हवा बहुत ठंडी होती जा रही है अब ना। हाँ, मैंने हेलमेट का वाइज़र खोला हुआ है ना, तो नाक सुन हो रही है और माथे पे जो है ना हवा लग रही है बहुत तेज़। जोजिला पास सोजी गाइस, फाइनली टाइम हो रहा है दोपहर के 2:38 और आपका भाई पहुंच चुका है जोजिला पास पे। जोजिला पास वो एक ऐसा पास है जो कि मार्च और अप्रैल के अंदर बहुत कम खुलता है, पर आपके भाई ने सोचा था कि यार जोजिला पास करना है, लद्दाख करना है, और मेरे पास टाइम की ना कमी थी, उसकी वजह से ना मैंने नॉन स्टॉप राइड कर रहा हूँ। कल दोपहर में 4 मैंने अपनी राइड स्टार्ट करी थी 22 अप्रैल दोपहर में 4, और अभी हो रहा है 23 अप्रैल 2:38 और मैंने जोजिला पास पे पहुँच चुका हूँ और इसको क्रॉस करके बढ़ रहा हूँ टुवार्ड्स लद्दाख। हो रहा है यहाँ से होते हुए अब हम बढ़ेंगे लद्दाख। सो जो ओनली हडल था ना वो जोजिला पास था, वो अब आपके भाई ने क्लियर कर दिया है। और यहाँ देखो जहाँ भी नज़र दौड़ाओगे ना वहाँ पे हर जगह पे स्नो ही स्नो है। सो मज़ेदार मज़ा आ गया यार। थैंक यू जोजिला, थैंक यू सो मच, आप ओपन हो गए, अच्छे से आ गए, पूरी बाइक आपके सामने खड़ी हुई है, थैंक यू सो मच। एंड अब यहाँ से चलते हैं टुवार्ड्स ले, और होप करता हूँ गाइज आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। ये जितना भी मैंने एडवेंचर किया वहाँ से आते हुए, ये जोजिला पास का जो एडवेंचर है, होप करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो चलो जी, इस वीडियो को यहीं पे ही एंड करते हैं और अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं जब मैं बढ़ूँगा जोजिला पास से टुवार्ड्स लद्दाख। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड इन्जॉय योर लाइफ।